वैसे तो नेचुरोपैथी में ऐसा बोला गया है कि हमारे शरीर के अंदर ही जितनी भी बीमारियां हैं उनसे सबसे लड़ने की ताकत या लड़ने की जो पावर है वो अंदर ही मौजूद है, हमारे ऑर्गन्स में ही वो सारी चीजें होती है। और वो अगर हम कुछ दिनों तक उसको अगर वेट एंड वॉश करें तो वो चीजें जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है और वो हमें वो बीमारी भी हमारे शरीर से ठीक हो जाती है। आपने सुना होगा नेचुरोपैथी में अलग अलग होते हैं, जैसे योग होता है, योग के द्वारा भी बहुत सारी चिकित्सा की जाती, ऑयल थेरेपी होती है, ऑयल के द्वारा बहुत सारी, मड थेरेपी होती है यानी मिट्टी के द्वारा, पानी के द्वारा, ऐसा ही एक मैग्नेट के द्वारा भी एक थेरेपी होती है जिससे आपके शरीर के बहुत सारे रोगों को दूर किया जा सकता है। और दोस्तों इस मैग्नेट का हमारे शरीर से डायरेक्टली कैसे रिलेशन है आज हम उस पर चर्चा करेंगे और उस बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा दोस्तों। टेक्निकल तरीके से भी मैं आपसे बात करूंगा और अगर हम बात करेंगे तो सुनील सर आपका स्पीकर बंद हो गया है, साउंड रुक गया है। सुनील सर आपका साउंड, अभी ठीक है, ओके, हेलो, यस सॉरी, यस यस, चलिए मैं फिर से शुरू करता हूं। सो मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ है जिसमें पांचवा तत्व है हमारी अर्थ की मैग्नेट पावर। और वो कैसे काम करती है, हमारा शरीर मैंने आपको बताया सेल से बना हुआ है, हर सेल की अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव दो पॉइंट होते हैं, वो अपने आप को कैसे चार्ज करते हैं, कहां से चार्ज करते हैं, ये मैं आपको आगे जाकर के बताने वाला हूं। ये एक 100% वर्थ वैल्यू ऑफ मनी पावरफुल बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पेड प्रोडक्ट जो आपके पास आज आप यूज कर रहे हैं या जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं दोस्तों। दोस्तों मैं जब भी इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं तो एक बात बोलता हूं कि वैसे तो हम बहुत समझदार हैं क्योंकि हम पहले पैसे कमाने के लिए शरीर को खराब करते हैं, बाद में शरीर को बचाने के लिए हम पैसे को खराब करते हैं। दोस्तों इट इज कॉल्ड इलनेस टू वेलनेस। अब्दुल कलाम साहब का कहना है था कि लोग बीमार ही क्यों हो, वो जब बीमार होते हैं फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फीस लेता है या पैसा लेता है, फिर हम ठीक होते हैं, फिर अगेन बीमार होते हैं। तो वो हम इलनेस पे काम कर रहे थे, आज हम इलनेस से वेलनेस की तरफ जा रहे हैं कि हम कुछ तो ऐसा करें कि हम बीमार ही नहीं हो और ना हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े और हम अपने उस पैसे को भी हम बचा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो अर्थ है, जो ब्रह्मांड है, ये एक बहुत बड़ा हजारों फीट अंदर जाकर के अगर हम देखें तो वहां पे आउटर कोर इनर कोर का एक कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में अंदर आयरन है, निकल है और भी बहुत सारी उसके अंदर आपको मिलेंगे इनर कोर में, और वहीं से हमें ये मैग्नेट जो है वो भी हमें वहीं से मिलता है। इसको थोड़ा सा हम और आगे से समझते हैं। इनर कोर आउटर कोर एंड अर्थ सेल्फ रोटेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अभी आपको बताया एक इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से कि उसमें जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव पोल यानी सप्लाई जब हम उसके अंदर देते हैं तो वो मोटर हमारी घूमने लगती है दोस्तों। ऐसे ही अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा डीप में उसके पेट के अंदर अगर हम जाके देखेंगे, आप रेड कलर का ये जो देख रहे हैं ये इसका इनर कोर है और एक इसका आउटर कोर है। जब ये आपस में रोटेट होते हैं तो यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि ये रोटेट होता तो हमें मालूम क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ द रोटेटिंग अर्थ अराउंड द सन जनरेट हग इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने सभी ने बचपन में पढ़ा हुआ है कि अर्थ जो है वो सूर्य के आसपास घूमती है। अब पृथ्वी का जो गोल गोल घूमना है वो हम महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों महसूस नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो हमें पता ही नहीं चलता इतनी स्पीड से वो सूर्य के आसपास घूम रही है, और जब वो उसके आसपास घूमती है तो
तो एक इलेक्ट्रिक जो करंट है, वो मैग्नेटिक जो फील्ड है, वो डेवलप होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सस्टेन करने के लिए। इसीलिए अर्थ के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर ही जो जीवन है वो पॉसिबल है, वो और कहीं पॉसिबल नहीं। अगर हम बात करें, अवर मदर अर्थ इज द हग मैग्नेटिक बॉल विथ टू नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल क्यों है, क्योंकि वहीं पे ज्यादा उसकी पावर जो है वो आपको इजीली दिखती है। दोस्तों मैं थोड़ा सा एक सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर आदमी को, और ये सब आपने बचपन में पढ़ा है, साइंस में हमने ये सब चीजें पढ़ी है, लेकिन वो फिर से हम इसको रिमाइंड कर रहे हैं कि ऐसा कैसे, हमने साउथ पोल नॉर्थ पोल हमें मालूम ही नहीं था साउथ पोल नॉर्थ पोल मतलब क्या है। वहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी, मैग्नेटिक जो पावर है वो है, और इसीलिए जब भी हम नीडल को देखेंगे तो साउथ पोल नॉर्थ पोल दिखाती है। दोस्तों ये जो मैग्नेट है ये कहां जनरेट होता है और इसको कैसे बाहर निकाला जाता है। अभी आप देख रहे हैं इसमें कि बहुत ज्यादा पृथ्वी की बहुत ही डेप्थ में हजारों फीट नीचे जाकर के ये वहां से इसको माइनिंग करके बाहर लाया जाता है। आप देख रहे हैं इसमें पत्थर के जैसा एक हो, ये इतना नीचे क्यों मिलता है, क्योंकि ये जो अर्थ की जो मैग्नेट पावर है आउटर कोर इनर कोर, ये उसके डेप्थ में यानी उसके स्टमक में पेट में, अगर ऊपर ऊपर होता तो हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन ये इतना अंदर डेप्थ में है जहां से ये रोटेट होता है और जहां से इसमें जो निकल, आयरन और भी बहुत सारे इसमें से खदान में से बहुत सारी चीजें निकलती है, और वहीं से ये निकलता है एक मिट्टी के जैसा, और इसको माइनिंग किया जाता है, और माइनिंग करके फिर ये इससे जो है हमारा मैग्नेट बनता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, मास मैग्नेटिक फोर्स ओनली अट्रैक्ट आयरन। आपको सभी को ये मालूम होता है कि अगर हम चुंबक जो है वो सिर्फ आयरन को ही अट्रैक्ट करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबको, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, चुंबक जो है आयरन और आयरन जो है वो चुंबक यानी मैग्नेट, उन दोनों को आपस में रिलेशन है, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस मैग्नेटिक फोर्स, अगर हम जैसे आपने देखा होगा न्यूटन का नियम था कि कोई भी चीज हम ऊपर फेंको तो नीचे आती है, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमें नहीं मालूम था, जो आज हम यहां पे समझेंगे। अब जो माइनिंग करके जो बनाया गया है वो एक बायोमैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको कंप्रेस करके बनाया जाता है। व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो का मतलब ये होता है सबसे छोटा, इतना छोटा पार्टिकल्स कि जो हम साधारण आंखों से भी नहीं देख सकते। कंप्रेस सुपर एडवांस हाईटेक टेक्नोलॉजी मैग्नेटिज्म, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी चाइल्ड मैग्नेट। ये नैनो का मतलब होता है बहुत छोटा, और बहुत छोटे का मतलब होता है कि हमें साधारण आंखों से दिख भी नहीं सकता है, उसी को माइनिंग करके जो मैग्नेट बनाया जाता है उसको बोला जाता है नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो मैग्नेट, जो बहुत ही छोटा, जो आप सब लोगों ने देखा हुआ। दोस्तों आप सब लोगों ने और मैंने भी मैग्नेट जो देखे, हमने देखे हैं, कोई हमारा जो स्पीकर होते थे, साउंड सिस्टम होते थे, उसके पीछे जो मैग्नेट लगा होता था, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल मैग्नेट, हमने वही मैग्नेट देखा था। लेकिन आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं रेयर अर्थ नियोडियम मैग्नेट। मैं आपको मेरी जो भी प्लान प्रेजेंटेशन में करता हूं तब उसमें बताता हूं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर नियोडियम नाम का एक मैग्नेट है, वो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं छोटे छोटे मैग्नेट, रेयर अर्थ नियोडियम। रेयर अर्थ का मतलब ही होता है कि जमीन के हजारों फीट नीचे से माइनिंग करके फिर उसको ऊपर ला करके फिर इसको बनाया जाता है, इट इज कॉल्ड ए नैनो मैग्नेट। दोस्तों इस मैग्नेट की अगर हम पावर को अपन नापे, जैसे हम अपना एक मीटर होता है नापने का, ऐसे ही अगर आप इस नैनो टेक्नोलॉजी का जो हमारा नियोडियम मैग्नेट है, अगर इसकी गॉस पावर को अगर आप नापेंगे तो इसको गॉस मीटर में अगर देखेंगे तो इसकी जो पावर है वो, ये दिखता बहुत छोटा है लेकिन इसकी पावर कई किलो, जो हमारा इंडस्ट्रियल मैग्नेट होता है बड़ी बड़ी साइज के, उससे भी कई गुना ज्यादा इसकी गॉस पावर होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, एक जो मैग्नेट है हमारा उसकी गॉस पावर है 5000 गॉस पावर, और ये जो गॉस पावर है ये 5000 गॉस पावर
एक उसके नियोडियम मैग्नेट की है, हम जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसके अंदर 100 150 200 उतने करीब उसके अंदर मैग्नेट होते हैं। वो आगे कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सल मैग्नेट फ्रीक्वेंसी स्पीड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो अर्थ है वो बहुत बहुत पुराना, मतलब 450,000 ट्रिलियंस ईयर्स ओल्ड है, बहुत पुराना है। ये तो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ है, दूसरे प्लानेट है, और अर्थ जो है वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाता है, ये एक होता है। और जब ये चक्कर लगाता है तो वहां से एक मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी जो है वो डेवलप होती है और वो हमारे कहीं ना कहीं काम आती है। दोस्तों हमने ये पढ़ा था लेकिन आज ये हमें मालूम हो गया कि ये इतना स्पीड से काम करता है। तो कैसे था वर्ल्ड फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कवर 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस। लाइट की जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड में 500 उसमें जाती है। ट्रेवल टू रीच फ्रॉम सन टू मदर अर्थ प्लैनेट, आप देख लिए उससे भी कई गुना ज्यादा स्पीड से ये जो है उसके आसपास घूमती है और हमें उसका आभास भी नहीं होता। दोस्तों मैं आपको एक माइंड की जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, मैं थॉट एनर्जी उस पर मैं बात करूंगा कि हमारे जो इसी अर्थ की मैग्नेट पावर की वजह से हमारे शरीर में थॉट आते हैं, फीलिंग होती है, डिजायर होता है, इंटेंट होता है, एक्शन होता है, बिलीफ होता है। दोस्तों ये जो है, अगर अर्थ की मैग्नेट पावर अगर हमें नहीं मिलेगी तो हमारे हमारे जो दिमाग में ये सारी चीजें नहीं आएगी। अवर थॉट इज करोड़ टाइम फास्टर देन लाइट स्पीड। और ये सब जब हमारे शरीर, आप खुद महसूस करेंगे कि हमारे दिन भर जो हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो लाइट की जो स्पीड है उससे भी कई गुना ज्यादा होते हैं। उतनी हजारों लाखों की तादाद में हमारे सेकंड्स में हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं, और वो थॉट्स जो है वो वापस हमारे शरीर में इसमें से निकल जाते हैं दिमाग में से। थॉट्स फीलिंग इमोशनल जजमेंट बिहेवियर इज इनविजिबल वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और अगर आप सोचे कि मैं इन थॉट को पकड़ लूं या इनको मैं देख लूं तो ये इनविजिबल है, लेकिन ये आपके दिमाग में काम करते हैं। आपने देख रहे चित्र यहाँ पे दिखा हुआ है कि जो चक्र जो दिखे हैं, 7 चक्र जो दिखे हुए हैं, ये चक्र के द्वारा ही हमें सारी एनर्जी हमारे शरीर को दोस्तों मिलती है। अब हम बात करते हैं, सन हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन होल यूनिवर्स। आप देखते हैं कि हम सुबह सो के उठते हैं उसके पहले सूर्य की रोशनी जो है हम तक पहुंच जाती है, वो खुद भी एक बहुत हाई ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा करता है जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है या जो बाकी सब चीजों के लिए काम आए। सन हैव ए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गली, मैंने आपको इस बारे में बताई दिया है। अब हम बात करेंगे कि कितने हमारे आसपास जो प्लानेट है वो आप देखिए, इतने सारे प्लानेट है लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल सन की और हम अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ में वेन्यू मरकरी है, मून है, मार्स है, जुपिटर है, स्ट्रम है, इतने सारे हैं, लेकिन अर्थ के अलावा किसी भी प्लानेट के ऊपर जीवन नहीं है। और इसका सीधा सा सरल भाषा में कि बाकी सब जगह पे अर्थ की मैग्नेट पावर नहीं मिल पाती। ऑल यूनिवर्स सोलर सिस्टम ओनली डिपेंड ऑन सन मैग्नेटिक फोर्स। आप जो सूर्य की रोशनी हमें मिलती है वहीं से सोलर एनर्जी जो पैदा होती है वो होती है। दोस्तों अगर हम बात करें सो आज अगर हम साइंस की तरफ भी देखते हैं तो अर्थ जियो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी वर्क भी लाइक सम वाईफाई रोटर राउटर मोबाइल नेटवर्क प्रिंसिपल। अभी तो मतलब हमें समझ जाना चाहिए और ये हमें समझ में आता भी है कि हमारा वाईफाई सिस्टम काम कर रहा है, हमारा मोबाइल जो है वो काम कर रहा है, ये अर्थ की मैग्नेट जो फ्रिक्वेंसी है जो उसी पे काम करता है। दोस्तों अभी हम जो सैटेलाइट जो छोड़ रहे हैं ये सब उसी पे काम करते हैं और इन सब चीजों की वजह से ही हमें उन सब के उपयोग जो है हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। आज आप देख पा रहे हैं सारी चीजें हैं आपके सामने। एक बहुत इंपॉर्टेंट साल की काफी साल पहले, अभी तो 12 लाख साल बताते हैं उससे भी काफी पहले, आप सब लोगों को मालूम होगा रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने बात बोली थी कि पंच तत्व जो हमारा शरीर है उसमें से पांचवा तत्व अर्थ की मैग्नेट पावर है और वो हमारे सराउंडिंग में कैसे काम करती है। उन्होंने उस फ्रिक्वेंसी को डेवलप करके अपने जो बच्चे उनके पास पढ़ने आते, शिक्षा लेने आते थे, उनको बताया था कि ये हमारे लिए जो है वो बहुत जरूरी है। हमारा इम्यूनिटी को लेकर के 4 पिलर ऑफ इम्यूनिटी, तो उसमें पहला है न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस और स्लीप, और इनमें से कोई भी एक जो है
हमें अगर हम कहीं से भी इसमें कहीं कोई कमी है तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। आज फिर एक बात करेंगे और बट बॉडी इज ए प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आप एक प्लास्टिक की चेयर के ऊपर बैठते हैं और जब आप वहां से वापस उठते हैं तो आपके शरीर में एक इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है और वो अगर हम किसी को छू लेते तो एक करंट सा जो है वो लगता है दोस्तों। तो हमारा शरीर भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पे काम करता है। आपके ऑर्गन्स, आपका हार्ट कैसे धड़कता है, कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारे हार्ट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक कोई पंप तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन वो काम कैसे करता है। सो वो जो हमारे फंक्शन है बॉडी सब अर्थ की मैग्नेट पावर के द्वारा ही काम करते होते। अवर अर्थ एंड वुमन बॉडी इज 70% वाटर विथ डिजॉल्व ऑक्सीजन। हमारे शरीर में भी 70% से ज्यादा पानी है और पृथ्वी पे भी 70% से ज्यादा पानी है और दोनों के वजह से हमारे शरीर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन हमारा जो तत्व है, पंच तत्व में से एक तत्व है हवा, हवा से हमें ऑक्सीजन मिलती है और डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसे काम करती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अवर ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड अट्रैक्ट मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे सेल्स से मिला हुआ है, तो जो भी ब्लड सेल है उनको अगर चार्ज करना है, अगर वो एक्टिव रहना उनको रखना है तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। वेव्स वहां से निकलती है और वो हमें मिलती है अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की से मिलती है दोस्तों। अब ये क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है, इस पर हम बात करेंगे। वुमन बॉडी क्रिएट ए हग एट एक्सटर्नल मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड एंड ब्लड सेल्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक। हमको अंदर से नहीं मालूम होता है या हमें अर्थ की मैग्नेट पावर मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमें महसूस नहीं होता है। जैसे कि हम सोचे कि ऑक्सीजन आ रही कि नहीं आ रही, हमारे हम जहां बैठे वहां ऑक्सीजन है या नहीं है उसको हम देख नहीं सकते या उसका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन ऐसा ही हमारा जो बॉडी जो है वो खुद क्रिएट करती है इंटरनल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक एनर्जी और उसी पे हमारे ब्लड सेल जो काम करते हैं और उन्हीं ब्लड सेल की वजह से हमारे ऑर्गन जो है वो पूरी तरीके से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट है, आयरन और मैग्नेट। आयरन जो है हमारे शरीर को मैग्नेट अर्थ की मैग्नेट पावर मिल रही है लेकिन वो कितनी मिल रही है, कब मिल रही है ये हमें मालूम नहीं होता है। और जब वो अर्थ की मैग्नेट पावर मिलती है तो मैग्नेट और आयरन दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज होता है यानी फास्ट होता है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है आपका, आपके शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी आपका बढ़ जाता है। अब हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये हमें मालूम है कि हमें अर्थ की मैग्नेट पावर मिल तो रही है लेकिन हमारे 4-5 फीट के सराउंडिंग में इतना आयरन है, इतना लोहा है, उसकी वजह से वो लॉस हो जाता है। जैसे आज हम पलंग पे बैठे हैं वो लोहे का, हम कुर्सी पे बैठे हैं वो लोहे का, हम गाड़ी में बैठे हैं वो लोहे। तो हमें अर्थ की मैग्नेट पावर तो मिली लेकिन जैसे ही हम आयरन के संपर्क में आते हैं तो वो जो है खत्म हो जाते हैं दोस्तों, वो जो पावर है उसकी वो खत्म हो जाती है। इसी को मेंटेन करने के लिए हम आगे बढ़े। व्हाट इज द ब्लड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब अगर मैं बात करूं कि ब्लड ब्लड का सर्कुलेशन, योर ब्लड इज ए लिविंग टिश्यू दैट सर्कुलेट अराउंड योर होल बॉडी वाया नेटवर्क। अब अगर आपका जो ब्लड है, अगर हम जब खड़े होते हैं तो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जब हम लेटे होते हैं तो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ये आपके शरीर के टिश्यूज ऑर्गन तक ये पूरी होल बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती और इसी से हमें डिजॉल्व ऑक्सीजन भी मिलता है, हमारी कैपिलरीज और बाकी सारे ऑर्गन भी उसी वजह से काम करते हैं। अब आते हैं हम जो हमारा प्रोडक्ट है। ईबायोटोरियम ने आज से 7-8 महीने पहले इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डाला, तब मैं काम कर रहे थे। ईबायोटोरियम ने ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते करते ये देखा कि ये प्रोडक्ट
आज हर आदमी की जरूरत बन चुका है, यानी हमें अर्थ की मैग्नेट पावर उतनी तरीके से, उतनी सही तरीके से हमें नहीं मिल पा रही है जितनी तरीके से हमें मिलनी चाहिए दोस्तों। 7 महीने पहले ट्रेडिशनल मार्केट से इसको, इस प्रोडक्ट को हम लेके आए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो आप सब लोग के पास। अब होता क्या है, जब हम इस मैट्रेस का उपयोग करते हैं तो बहुत सिंपल लॉजिक है, हमें अर्थ की मैग्नेट पावर मिल रही है नहीं मिल रही है ये कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर 100-125 साल तक जिंदा रहने के लिए बना है, लेकिन हम 40-50-60 साल में हमारे ऑर्गन्स जो है वो जवाब दे देते हैं, और हमें हमारे सेल्स को जब चार्ज नहीं मिलती है तो धीरे धीरे सेल वो डैमेज होते हैं या फिर डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि 30-40-50 साल में भी बहुत सारी बीमारियां जो हमें पहले 100 साल 80-90 साल में होती थी वो अभी होने लग गई, और हमारी जो एवरेज लाइफ है वो 50-55-60 साल पे आकर के रुक गए दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पंचतत्व जो हमारे शरीर को मिलने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आई, और उसमें सबसे ज्यादा कमी आई है अर्थ की मैग्नेट पावर। अर्थ की मैग्नेट पावर की नहीं मिलने की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम है, ब्लड सर्कुलेशन अगर कम है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल भी कम है, और अगर ये दोनों उसी को लेकर के प्रोडक्ट बनाए गए। आप देख रहे हैं 4 प्रकार की मैट्रेस है दोस्तों। बायोमैग्नेटिक इनविजिबल पावरफुल, अगर मैं बात करूं कि ये जो मैट्रेस है इसके अंदर नियोडियम नाम का एक मैग्नेट है, और उससे जो पावर मिलती है उस जब हम इसके ऊपर सोते तो हमारा वो भी इनविजिबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ऑक्सीजन को नहीं देख सकते, इस प्रकार हम इस मैग्नेट की पावर को भी नहीं देख सकते। सिंपल सा फंडा है, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, जब आप इस मैट्रेस के ऊपर सोते हैं इस मैट्रेस के अंदर नियोडियम नाम का मैग्नेट है, आयरन और मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब वो अट्रैक्ट करता है तो ऑब्वियसली आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जब आपका बढ़ेगा तो आपके ब्लड वेसल जो है ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाएंगे, आपके शरीर में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम, 300 से ज्यादा बीमारियां हमें इन दो चीजों की वजह से होती है। अगर ये दो चीज मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन और आपका ऑक्सीजन लेवल, अगर ये दोनों प्रॉपर है तो फिर हम बीमार नहीं हो सकते, और ये अभी हमें कोरोना में बहुत अच्छे से मालूम हुआ दोस्तों। अब हमारी बॉडी में कैसे काम होता है उस पर हम बात करते हैं। 100% नेचुरल रेयर अर्थ मैग्नेटिक fully influence to woman body and our body strongly attract absorb। आपने देखा होगा कि स्पंज जो है जैसे काम करता है उसी तरीके से ये काम करता है, और जैसे ही एक बार ये इसको शक करेगा एब्जॉर्ब करेगा फिर छोड़ देगा, यहीं से हमारी बॉडी का फंक्शन जो होता है और वो शुरू होता है, और वहीं से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक फ्रेश जो है, हमारा जो हार्ट का जो चेंबर है उसके अंदर 4 चेंबर होते हैं, 2 में एक फ्रेश जो साफ ब्लड होता है, 1 में गंदा खून आता है जो उसको फिल्टर करके फिर बाहर जाता है, तो जैसे ही वो अच्छा ब्लड जो है हमारे शरीर में रन होना शुरू होता है उसके पीछे पीछे जब गैप होती है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन वो भी जब जाती है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जाकर के हमारे रेड ब्लड सेल के साथ मिक्स होता है और वहीं से फिर हमारे ऑर्गन काम करते हैं। बॉडी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म एंड इट्स फंक्शनिंग सिस्टम रिक्वायर्ड ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिशन टू मेंटेन लाइफ। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन में मिलता है उससे हमारा स्ट्रांग होता है। आप जो खाना खाते हैं उससे आपके आपका पेट भरता है, आपके सेल का पेट नहीं भरता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका इम्यूनिटी पावर, ये सारी चीजें। लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन जो है वो काम कम करते हैं या काम करना बंद कर, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमें जो एक प्यूरिफाई होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, क्योंकि जब ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा तो ऑक्सीजन भी मिलेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया वो, और वो हमारे लिए हमारी लाइफ के लिए बहुत ही पावरफुल है। So improve your blood circulation, oxygen level, change your energy, strength, immunity power, change your energy। आप सब लोगों को अभी भी मालूम हो चुका होगा और सभी को अभी कोरोना के बाद हुआ कि हमें सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान रखना है, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए अगर मैं आपको कहूं, योग करिए, आप जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, ये हम 2-4-5 दिन तो कर सकते हैं हम, लेकिन हम ऐसा रोज नहीं कर
पाते क्योंकि टाइम बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, समय की बहुत कमी है। तो हमने आपको कोई चीज खाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ सोना है। बाय डिफॉल्ट दुनिया का हर आदमी रात को आकर के सोता ही है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जब आप इसके ऊपर सोएंगे तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाएगा दोस्तों। वर्ल्ड वेरी पावरफुल 100% नेचुरल रेयर अर्थ नॉर्थ पोल साउथ पोल बॉर्न फ्रेश बायो नैनोटेक्नोलॉजी मैग्नेट नियोडियम मैग्नेट। मैंने आपको बता ही दिया कि ये मैग्नेट कैसे बनता है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि छोटे से छोटा, और नियोडियम यानी एक प्रोसेस के द्वारा बनाया गया मैग्नेट को नियोडियम मैग्नेट कहते हैं, जो इस मैट्रिक्स के अंदर है दोस्तों। कॉज ऑफ द डिसीज डिसऑर्डर वायरस इंफेक्शन लो इम्यूनिटी रेजिस्टेंस ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल। ये मैं आपको बोल चुका हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिन व्यक्तियों का भी ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक होता है यानी मेंटेन होता है, उनसे बीमारियां बहुत दूर रहती है। और चूंकि हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से